नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है ये बिहार के पटना से जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही यूजफुल है। आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो हम बता दें आपको कि ये जो खबर जो निकल कर आई है ये खबर है मानदेय से रिलेटेड। आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो है कि राज्यव्यापी हड़ताल किए जाने के संबंध में ये निर्णय लिया गया है, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का 24 सितंबर को राज्यव्यापी एक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि बता दें जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की संघ द्वारा जो है कि 24 सितंबर को राज्यव्यापी हड़ताल किए जाने का जो है कि निर्णय लिया गया है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संगठन समिति की बैठक केदारनाथ भवन में सोनी कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में उपस्थित आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव बिंदेश्वर सिंह ने कहा कि आगामी 24 सितंबर को सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के 2.25 लाख आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका भाग लेंगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो भी मांगे हैं उसमें जो है कि 15 सूत्रीय मांगे हैं, 2.25 लाख आंगनबाड़ी सेविका जो है कि इसमें सम्मिलित होंगी। बिहार के 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटकेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका को कर्मचारी का दर्जा देने की मांग वर्षों से चल रही है, सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका को 25,000 रुपये प्रति माह भी मानदेय प्रमुख मांग शामिल है। बताया जा रहा है कि जो मांगे हैं उसमें आंगनबाड़ी सेविका को 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय की मांग जो है कि इसमें शामिल की गई है। बैठक को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष कुमारी गीता, सेविका संघ के अध्यक्ष सोनी कुमारी, कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष चंद्रावती देवी, सूर्यकांत देवी, अमला देवी, ऐसे करके आदि लोग जो है कि मौजूद रहे। दर्जनों आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है कि वहां उपस्थित रही और जो है कि ये निर्णय लिया गया कि 24 सितंबर को राज्यव्यापी हड़ताल किया जाएगा सरकार के विरुद्ध में और जो है कि अपनी मांगें रखी जाएंगी इसमें। तो जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में राज्य के द्वारा जो है कि अनुपूरक बजट पेश किया गया था, उसमें बताया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपये की वृद्धि की जाएगी और उसको कुछ दिन के बाद बदल दिया गया प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो इस तरह से जो है कि सरकार की रवैयों को देख कर आंगनबाड़ियों द्वारा जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बहनों को भी ये खबर पता चले और जो है कि वहाँ पे पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाएं। तो अभी तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।